सो हे गाइस, अगर आप भी पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आपको नहीं पता है कि आपको एयरपोर्ट पे क्या करना है, तो सीरियसली दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज़ दिस वाज माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ़्लाइट. मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. हालांकि इंटरनेशनली मैंने पहले भी ट्रैवल किया है, बट अपनी फैमिली के साथ, तो मैं जस्ट उनके पीछे पीछे रहती थी. बट अभी मैं अकेली थी, तो मुझे ही सब कुछ देखना था. और एक बात और, आप एटलीस्ट घर से 4 घंटे पहले निकल जाएं, ताकि आपको आराम से पूरा टाइम मिल जाए वहाँ पे समझने के लिए. अगर कोई दिक्कत हो तो आपके पास टाइम रहेगा. उसके अलावा रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से टाइम से निकलें. फाइनली एयरपोर्ट पर पहुँच गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है. पहले मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, और किसी के साथ भी आती हूँ, बट अकेले कभी नहीं आई. तो लेट्स फाइंड आउट आगे क्या करना है. लाइन बहुत ही बड़ी है, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, शायद मैं लेट हो गई हूँ. कहते हैं कि 3-4 घंटे पहले आना चाहिए. अब होपफुली भी मैं अंदर पहुँच जाऊँ. और फटफट फटफट मैंने वेब चेकिंग करा रखा है. देखो, मैं से बोला भी जरा, मैं इतनी नर्वस हूँ अभी. एयरपोर्ट पहुंचकर आप देखेंगे कि यहाँ पर गेट पर एयरलाइंस के नाम लिखे रहते हैं, तो ट्राई करना जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हैं उसी के गेट के थ्रू आप अंदर एंटर करें, ताकि आपको अंदर जाकर ज़्यादा चलना ना पड़े. उसके बाद आप बोर्ड पर देखेंगे कि आपकी फ़्लाइट आ रही होगी, उसके आगे आपको काउंटर नंबर लिखा मिलेगा. आपको उस काउंटर पर जाकर अपना बैग ड्रॉप इन करना है, वो तब जब आपने वेब चेक इन पहले से करवा रखा हो. और ट्राई भी करना कि आप ऑनलाइन पहले से वेब चेक इन करवा के चलो. इससे क्या होता है कि आपको सीट भी अपनी मनपसंद मिल जाती है, और उसके अलावा आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है. एक और पड़ाव पार कर लिया मैंने. अभी मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ. एक्चुअली मैं हर चीज़ के लिए डर रही हूँ, बट इमिग्रेशन कहते हैं कि थोड़ा सा अलग लेवल का होता है. तो मैंने पहले किया हुआ है, बट अकेले पहली बार कर रही हूँ. तो लेट्स सी. मेरे साथ नहीं जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, कनाडा. बहुत क्यूट है, मैं दूर से ही देखती हूँ. मुझे बहुत डर लगता है. कहाँ जा रहा है, कहाँ. बैग ड्रॉप इन के बाद यू नीड टू गो फॉर इमिग्रेशन. आपको हर तरफ बोर्ड दिखते जाएंगे, आप बस उसको फॉलो करते जाइए और आप पहुँच जाएंगे इमिग्रेशन के लिए. एंड येस, इमिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बिकॉज वो चेक करते हैं. अब डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, तो उस कंट्री के जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं. एंड यस, इमिग्रेशन पे बी रेडी फॉर सवाल जवाब, बिकॉज आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पे वो सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए. बस ये था हमारा लास्ट पड़ाव. उसके बाद जस्ट सिक्योरिटी रहती है. सिक्योरिटी में आपको पता होना चाहिए कि आपके बैग में ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से वो आपको रोक लें. उसके बाद जस्ट एवरीथिंग डन, उसके बाद आप आराम से घूम सकते हैं एयरपोर्ट में. अगर आपका जल्दी से ये सब क्लियर हो जाता है तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. मेरे पास तो काफ़ी टाइम बच गया था. तो लेट्स सी मैंने क्या किया उसके बाद. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. मतलब मैंने कर दिखाया, अभी भी वहाँ का इमिग्रेशन बाकी है, बट यहाँ पे आके मतलब चेक इन करना, बैग ड्रॉप करना, उसके बाद इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ कर लिया. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे लग नहीं रहा मैं कर पाऊँ. अब अंदर आ गई हूँ, बहुत जल्दी पहुँच गई हूँ. 8:30 है अभी, 10:50 की फ़्लाइट है, बट ठीक है, जल्दी पहुँच गई हूँ, लेट से तो अच्छा ही है. अंदर जाकर आपके बोर्डिंग पास पे जो भी गेट नंबर लिखा है, उस पर जाकर एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना कि वो कितनी दूर है और आपके पास बोर्डिंग के लिए कितना टाइम है, ताकि आपको बाद में भागना ना पड़े. उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी जो बोर्डिंग की टाइमिंग है और जो आपका गेट है वो आपके आसपास ही रहे. आई एम फीलिंग सो गुड. मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा. मुझे लगा कि मैं अकेले जाऊंगी तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाएगा मेरे साथ और मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे जो फीलिंग आ रही है बहुत ही अच्छी है. और अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एयरपोर्ट. बहुत ही पहले भी देखा है, बट अभी अकेले देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है.
अब तो मैंने अपना गेट भी ढूंढ लिया है और काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो आई एम थिंकिंग कि यहाँ के कुछ लॉन्जेस वगैरह ट्राई करते हैं, बिकॉज़ मुझे पहली बार पता चला था कि अगर आपके पास कार्ड है तो यहाँ पे 1 रुपए में खा सकते हैं, तो लेट्स सी। कब से बोट्स को फॉलो कर रही हूँ, फूड कोर्ट मिल गया लेकिन मुझे लॉन्ज मिल ही नहीं रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। आई होप कि अब मुझे दिख रहा है आगे, फाइनली आ जाना चाहिए। सो यस, यू कैन एन्जॉय अनलिमिटेड यम्मी फूड, वो भी 1 रुपए में किसी भी एयरपोर्ट पे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड है वो आप जाके लॉन्च पे चेक करवाना। हर क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं चलता है लेकिन कोई एक चल सकता है, तो आप चेक करवाएंगे तो वो चेक करके बता देंगी कि आपका कौन सा कार्ड चलने वाला है वहाँ पर, और आपको अनलिमिटेड यम्मी फूड मिल जाएगा सिर्फ 1 रुपए में। सो दिस इज़ माई प्लेट, और पहली बार मैं अकेले खाना इन्जॉय कर रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, और ऐसा मेरे साथ सीरियसली पहली बार हो रहा है, बट आई लव दिस फीलिंग। ट्राई कर लिया मैंने, बिल्कुल फ्री में मिला मुझे खाना। अब मेरा टमी एकदम फुल है, अब मुझे भागना पड़ेगा बिकॉज 9:30 हो चुकी है और 25 मिनट्स वहाँ पे पहले करना है, मैं बहुत धीरे भागती हूँ। तो यहाँ का तो सब कर लिया मैंने, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होने वाला है। और मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ सिंगापुर। सिंगापुर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक आपके पास वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, उसके अलावा आपको 3 दिन पहले एक हेल्थ अपडेट करना पड़ता है उनकी साइट पे जाके, जो कि बेसिकली इमिग्रेशन ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें टाइम वेस्ट होता है, तो कोशिश करना कि आप वो अपडेट पहले ही करके चलो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाकर भी हो जाता है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए अपने होटल की बुकिंग, अगर आपने नहीं कराई है तो करवा कर जाना, वो मांग सकते हैं आपसे। तो ये सारे ज़्यादा हैवी वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वहाँ का इमिग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अकेले आने का फ़ायदा, साथ में कोई भी नहीं है, सीट एकदम खाली, सो के जाओ आराम से। पहली बार ऐसा हुआ है कि एयर इंडिया का एक्सपीरियंस वॉज नॉट वर्थ, न खाना अच्छा था, न 2 से ज़्यादा इनके पास ड्रिंक थे, वेज नॉन वेज के ऑप्शंस इनके पास ज़्यादा नहीं थे, मतलब अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो उनके पास अवेलेबल नहीं था। आई डोंट नो ऐसे क्यों था, बट इस बार एयर इंडिया का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फाइनली यहाँ का इमिग्रेशन भी डन, सो हेयर आई एम सिंगापुर। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। सो प्लेन से बाहर निकल कर ज़्यादा कोई स्ट्रगल है नहीं, आपको जो बेल्ट है वो ऑलरेडी प्लेन में अनाउंस की जाती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप बाहर आकर पूछ भी सकते हैं। और उसके अलावा बोर्ड सारे लगे रहते हैं, आपको जस्ट अपना बैग जो है रिसीव करना है, और उसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन के लिए। सिंगापुर का इमिग्रेशन वॉज रियली रियली ईजी, कुछ भी नहीं था, जस्ट डॉक्यूमेंट सारे होंगे तो वो जस्ट देखते हैं, स्टैंप लगाते हैं और आपको बाहर भेज देते हैं, लाइक मेट्रो कार्ड लगाया और बाहर आ गए। बाहर तो निकल गए, टैक्सी स्टैंड नहीं मिल रहा मुझे, लोगों से पूछ पूछ के पागल हो गई हूँ, इधर से उधर उधर से इधर, अभी फाइनली किसी ने बताया है तो लेट्स होप मिल जाए। इज इट ओके,
फाइनली मिल गई मुझे टैक्सी। बहुत अच्छा सिस्टम। नो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एक्चुअली। सो फाइनली बहुत अच्छा सिस्टम है, सीधा डायरेक्ट नंबर पे भेजा और बाहर आती मुझे टैक्सी मिल गई। अब मैं डायरेक्ट जाती हूँ अपने होटल पे, मैंने कर दिखाया। रहने दो। Seriously, you are very kind. I was so afraid ki I hear from another Indian. Not Indian, another foreigner who teach me. He say the first thing I teach you how to say I love you. Oh, I so, see. I have taught you two words. Yeah. What is? Yeah. Acha. 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 Rehne do. No, when I hear a lot of conversation on the phone by my messenger. सो हेयर आई एम सिंगापुर। आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो अगर आपको एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स नहीं पता है या नहीं पता थे, अब पता लग गए होंगे बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। और उसके अलावा सिंगापुर इज़ द सेफेस्ट कंट्री, आपको कोई भी डरने वाली बातें या कोई भी आपको लूट नहीं सकता है। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और काफ़ी अच्छी कंट्री है। बाहर आते ही आपको टैक्सी भी मिल जाएगी और टैक्सी भी यहाँ पर मीटर के अकॉर्डिंग चलती है, तो ऐसा नहीं कोई ज़्यादा लेगा या कोई कम लेगा। अब देखते हैं कि सिंगापुर में मैं क्या क्या एक्सप्लोर करने वाली हूँ। उसके लिए बने रहिए अगली वीडियो तक।